Hello and welcome. Who works under civil engineer in a tower or building? यानी यदि किसी बिल्डिंग की एक टावर ऊंची इमारत बन रही है तो उसमें सिविल इंजीनियर के नीचे कौन कौन काम करता है, क्या हायरकी होती है, कैसे ऊपर से नीचे तक लोग काम करते हैं, इस तरह इस चीज़ को आज हम देखते हैं आज के वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे नीचे वर्कर्स काम करते हैं। वर्कर्स में जैसे लेबर है, मैशन है, सर्टिंग कारपेंटर्स हैं, स्टील फिक्सर्स हैं, स्कैफोल्डर्स हैं, और जो दूसरे जितने भी वर्कर्स हैं वो सारे के सारे सबसे निचले पायदान पर काम करते हैं। यानी उनके ऊपर काम करवाने के लिए आपके पास इन वर्कर्स के ऊपर सुपरवाइजर्स होते हैं। सुपरवाइजर्स जैसे एक सुपरवाइजर शटरिंग का हो सकता है, दूसरा सुपरवाइजर रीइंफोर्समेंट का हो सकता है, और तीसरा सुपरवाइजर कंक्रीटिंग का हो सकता है। यानी ये अलग अलग काम देख सकते हैं अलग अलग सुपरवाइजर। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यानी ढांचे की बात कर रहे हैं। RCC कंक्रीटिंग के कैसे होता है और उनके लिए क्या क्या स्टाफ और कैसे कैसे स्टाफ काम करता है। तो सुपरवाइजर 1, 2, 3 इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी बिल्डिंग की साइज क्या है और उसका क्या वॉल्यूम है। इसके बाद सुपरवाइजर के ऊपर आते हैं फोरमैन। फोरमैन का क्या काम होता है, जैसे मान लो तीनों सुपरवाइजर हैं तो उसके ऊपर एक फोरमैन होगा। उसका काम ये रहेगा कि उसको लेआउट करना, ड्राइंग पढ़ के ड्राइंग के हिसाब से काम करवाना, BBS यानी बार बेंडिंग शेड्यूल भी बनवाना, वर्क डन रिपोर्ट बनाना कि क्या काम हुआ है, लेबर की रिपोर्ट बनाना कि क्या लेबर आई थी, क्या मटेरियल का अरेंजमेंट करना कि कल क्या मटेरियल चाहिए होगा, आज क्या मटेरियल चाहिए है, कि कितना कहीं शटरिंग कम पड़ रही है या सरिया कम पड़ रहा है, या तैयार हो गया तो कंक्रीटिंग कहाँ करानी है, मेजरमेंट्स करवाने हैं। ये सारा काम फोरमैन का होता है। इन सब के ऊपर होता है हमारे जूनियर इंजीनियर या टावर इंजीनियर। टावर आप कह सकते हैं कि एक इंजीनियर के अंडर एक टावर नॉर्मली दिया जाता है। तो उस जूनियर इंजीनियर का काम भी क्या होता है कि उनको ड्राइंग्स को पढ़ना, और मेन चीज़ ये है कि चेकिंग करना, यानी क्वालिटी कंट्रोल करना कि एक्सपर्ट ड्राइंग एंड डिजाइन ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। चाहे वो कोई भी काम हो, सरिया शटरिंग रीइंफोर्समेंट कंक्रीट वगैरह जो भी काम होता है, वो सारा का सारा काम चेक करना, असली ड्यूटी उसकी यही है। उसके बाद में रिपोर्ट करना, रिपोर्ट बनाना, और मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर करना कि कल मैनेजमेंट की प्लानिंग करना और मैन पावर की प्लानिंग करना, कौन सा मैन पावर कहाँ पर लगाना, कब लगाना है, कैसे लगाना है, और मटेरियल की प्लानिंग करना कि हमें पूरी टावर में क्या मटेरियल लगना है, कितना लग चुका है, कितना लगने वाला है, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, रूटीन बना रहे। और सबसे ऊपर होता है APM यानी असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, जो ओवरऑल इंचार्ज होता है सभी टावर्स का। यानी जूनियर इंजीनियर वो टावर इंजीनियर हो गया, और सारे टावर्स मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में 5 या 10 या जो भी जितनी भी नंबर ऑफ टावर्स हैं उनका एक इंचार्ज होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे वर्कर्स होते हैं, उसके ऊपर सुपरवाइजर्स होते हैं, उसके ऊपर फोरमैन होते हैं, उसके ऊपर जूनियर इंजीनियर या टावर इंजीनियर होते हैं, और सबसे ऊपर APM या प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। तो ये किसी एक टावर का या एक प्रोजेक्ट का, नंबर ऑफ टावर्स के प्रोजेक्ट का एक ये चार्ट है, एक हायरकी है जो आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू।